बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और आज लजीज पकवान में हम लेकर आए हैं डॉक्टर सैयद को, तो ये हमें गाइड करेंगे नाज़रीन। क्योंकि आजकल एक मोटापा यानी ओबिसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर बच्चे बड़े और बूढ़ों को भी नाज़रीन, और अगर देखा जाए एक रफ़ आइडिया लिया जाए तो 1975 से अब तक लेके ओबिसिटी का अगर ग्राफ देखा जाए तो वो ट्रिपल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्रिएट हुई हुई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनसे कि ये इसके क्या कारण है, ये क्यों होती है, और अगर ये हो जाए तो इसको कैसे कम किया जाए, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो डॉक्टर हमाद, मैं आपका लजीज पकवान्स में बहुत वेलकम करती हूँ और आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही है और सब लोग जानना भी यही चाहते हैं कि ये आजकल जो ओबिसिटी का हम सुनते हैं, ये इसका मेन कारण क्या है, ये इतना ज़्यादा क्यों फैल रही है और क्या वजूहात है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हर जनरेशन को इतनी ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो आप बताइए कि बेसिक क्या इसका रीज़न है। देखिए, इसको हम दो ब्रॉड हेडिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल एज वेल एज नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल तो वो चीज़ होंगी जो हम खुद पर कंट्रोल, जिस पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल एज हो गया या सेक्स हो गए या फिर आपका जेनेटिक वेरिएशंस हो गए, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो गया, ऐसी चीज़ों पर इंसान का कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है। और मॉडिफाइबल रिस्क, जैसे कह सकते हैं आप, डाइट हो गई या सिगरेट स्मोकिंग हो गया या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हो गया या लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनालिटी हो गई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है ओबेसिटी के लिए। और अगर आप मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल में भी, फॉर एग्जांपल आप एज है, अब एज जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस करेगी, फॉर एग्जांपल 45 टू 50 ईयर्स से अबव जाएंगे तो आप बहुत प्रोन हो जाएंगे ओबेसिटी के लिए। बट अगर आप इसमें अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं और बैलेंस डाइट मेंटेन करते हैं, और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के ज़माने में, अगर आप कम टेंशन लेते हैं और ज़्यादा खुश रहने का, क्योंकि टेंशन से बहुत बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है ओबेसिटी का। जब आप टेंशन लेते हैं तो आपके अंदर कैटाकोलामाइन रिलीज होता है, दैट कैटाकोलामाइन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स, और वो लिपिड ड्रॉपलेट्स जाके आपके अलग अलग पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी तो है ही, ओबेसिटी के बाद भी इससे आपको फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, इश्केमिक हार्ट डिजीज होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा अगला सवाल ये है, ओबेसिटी कौन से एज ग्रुप को होने का ज़्यादा खतरा होता है और उसके फिर आगे जाकर क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? और आपने एक चीज़ भी नोटिस करी होगी, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं या फिर कोई और स्ट्रेस वाला ओकेजन होता है या फिर ऐसे ही कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का हंगर सेंटर जो होता है वो स्टिम्युलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और हम लोग को इतना पता नहीं होता कि हम लोग कितना इनटेक कर रहे हैं, वो एक्सेस कैलोरी बन जाती है। और एक्सेस कैलोरी जो बनती है आपकी, बेसिकली जो होता है आपका ग्लूकोज के अंदर, हमारी बॉडी बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें ग्लूकोज के अंदर एज एन एनर्जी इस्तेमाल करती है, वो ग्लूकोज जब एक्सेस हो जाता है दैट लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो होता है वो नॉर्मली हमारा डिपॉजिट्स के फॉर्म में होता है बॉडी में, और दैट डिपॉजिटेड फॉर्म बेसिकली लीड्स टू ओबेसिटी। सर, मेरा अगला आपसे क्वेश्चन ये है, हमारी डाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वेट अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम किस टाइप की डाइट ज़्यादा इनटेक करें और कैसी हमें डाइट खानी चाहिए, कैसी हमें डाइट लेनी चाहिए, तो आप प्लीज़ इस पर ज़रा रोशनी डालें। क्योंकि आजकल जो है मुझे लगता है जंक फूड्स बच्चों में तो बहुत ज़्यादा, क्या बड़ों में भी बहुत ज़्यादा इसका फैशन कह लें आप एक तरह से चल गया है, और जिसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी वेट बढ़े होते हैं और फिर उनको बचपन से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मेरे ख्याल से, am I right?
देखें, एज वाइज अगर बोला जाए तो सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ से लेके फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ यानी के 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र के बीच का जो वक्फा, जो गैप होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। अगर आप इस स्टेज पर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, हेल्दी डाइट्स वगैरह लेते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और अवॉइड करते हैं ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा मींस कोई क्रॉनिक आपकी कोई ऐसी आदत हो दैट कैन लीड टू ओबेसिटी, फॉर एग्जांपल आपका आप खुदा न खास्ता अल्कोहलिक हों या फिर आप बहुत ज़्यादा मींस फैटी फूड लवर हों या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लवर हों, तो दिस टाइप ऑफ मींस योर हैबिट्स कैन लीड टू ओबेसिटी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप खुद कंपेयर कर सकती हैं, पहले ज़माने में बहुत ही कम देखा जा सकता था कि कोई बच्चा मोटा होता हो या फिर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती हो, लेकिन एज एंड व्हेन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया, जैसे जैसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हर जगह पे बढ़ा है, बेसिकली ओबेसिटी की प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम है, क्योंकि न्यूट्रिशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में एडिक्वेट होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं खाना, इस वजह से लोग ज़्यादा इनटेक करते हैं, ज़्यादा इनटेक करने की वजह से बेसिकली वो स्टोर होता है बॉडी के अंदर और ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। खाने के ताल्लुक से जो कहा जाए, खाना फॉर एग्जांपल हर चीज़ जो होती है आपकी, बेसिकली खाने में हमारे जो प्राइमरी चीज़ होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, इसके अंदर हम लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, प्रोटीन ज़्यादा कर दें या फिर आप विटामिन मिनरल्स पे ही रहें, डाइटरी फाइबर्स पे ही रहें ज़्यादा। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है और बेसिकली कहा जाता है कि बॉडी की कंडीशन के हिसाब से ही आपको फिर वो बैलेंस डाइट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। बट इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि आप ये खाना ना खाना या फिर न्यूट्रिशन कम करना कोई हल नहीं है ओबेसिटी का। ओबेसिटी का हल है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस करें, जो आप इनटेक कर रहे हैं उसको बर्न करें कैलोरी के फॉर्म में, बिकॉज ओबेसिटी मेनली इस वजह से होगी आपकी, इस वजह से मेन कारण होता है ओबेसिटी का कि आप इनटेक तो कर रहे हैं बट उसका आउटपुट नहीं जा रहा है कुछ, तो वो बेसिकली आपके अंदर जाके डिपॉजिट्स हो जाते हैं वेरियस टिश्यूज़ में और वो ओबेसिटी के फॉर्म में हैम्पर करते हैं बॉडी को। सो मुझे लगता है मेल्स और फीमेल्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल्स के लिए आप कुछ बताएं। जी आपने सही फरमाया, बिल्कुल फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज फीमेल में बेसिकली फैटी डिपोजिशन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल इन्फ्लुएंसेस और सेकेंडरीली ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी होता है कि आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो हमारी फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर घर में रहना, अगर घर में रहती हैं और हाउसवाइज होती हैं, ज़्यादातर प्रेफर करती हैं घर में रहना, तो उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है कि एक्सरसाइज कर पाएँ या फिर बाहर जा पाएँ और इतना उनके ऊपर मतलब बर्डन भी होता है और बेसिकली आजकल की जो मतलब ऐसा फास्ट लाइफ हो गई है और इतनी टेंशन्स वाला ज़माना हो गया है तो लोग ज़्यादा मतलब बैठ के टेंशन्स लेते हैं, तो आप एक तो एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, आप बैठी हैं और ऊपर से आप टेंशन ले रही हैं, तो आपने दो दो रिस्क फैक्टर्स को अपने ऊपर इम्पोज कर लिया है, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। जी सर, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और उम्मीद है हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो सबको जो आप बता रहे हैं उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल रही होगी और इंशाल्लाह ताला आगे जाके फ़ायदा भी होगा। तो आप एक बात और बताएं कि जो लोग बहुत जल्दी वेट रिड्यूस कर लेते हैं इसके होने के बाद, जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर अपने डाइट को कंट्रोल करके और विद इन अ मंथ वो काफ़ी वेट रिड्यूस कर लेते हैं, क्या वो सेफ़ होता है ये तरीका? जी मैं इस मुतालिक से एक कॉस्मेटिक से रिलेटेड बात कहना चाहूँगा और ये मेनली फीमेल्स को मेरे ख्याल से ज़्यादा एज अ टूल ऑफ इंटरेस्ट साबित होगी कि आप फॉर एग्जांपल जब मोटे थे या फिर आप ओबेस थे तब आपकी जो स्किन पे इफ़ेक्ट था, मीन फॉर एग्जांपल आप
का फॉर एग्जांपल आपका चेहरा मोटा था या फिर आपके बाइसेप्स मोटे थे या फिर आपका एब्डोमेन मोटा था, तो उसकी वजह से जो स्किन थी वो उस हिसाब से ही स्ट्रेच्ड थी। जब आपने एकदम से विद इन अ मंथ अपना वेट लूज़ किया है तो वेट तो आपका लूज़ हो गया, बट दैट स्किन दैट इज़ ऑलरेडी बीन स्ट्रेच्ड, वो जो स्किन होगी वो एकदम से रिड्यूस होके तो एकदम से नॉर्मलाइज नहीं होगी। आपको अगर आप ग्रेजुअल एक्सरसाइज करके और आपने विद इन 3, 4, 5, 6 मंथ्स में अगर आपने कम किया है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, प्रोटीन का रेशियो नॉर्मलाइज हो जाता है। बट अगर आपने एकदम से कम किया है तो वो स्किन जो होगी वो आपकी एक तरीके से मीन्स रिंकल्स आ जाएंगे आपकी बॉडीज पे, या फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, या फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप सेनाइल टाइप लुक करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका बुढ़ापा टाइप आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा लटक टाइप गई है। तो ये एक इफ़ेक्ट पड़ता है मेनली, और हाँ बेसिकली पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपका एकदम ग्लाइसेमिक स्टेट एकदम से आपका कम हो जाएगा, आपने खाना नहीं खाया है आपके बहुत चांसेस जाते हैं आपके, फॉर एग्जांपल आप एकदम से हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में चल जाएं, आप बिल्कुल खाना आपने बंद कर रखा है, या फिर एक तरीके से आपका मैल न्यूट्रिज टाइप ऑफ डिजीज़ के आप शिकार हो सकते हैं। तो खाना बिल्कुल ना खाना और खाना बहुत ज़्यादा खाना, ये दोनों ही बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो एतदाल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कम खाना तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई हल है, बिकॉज आप खाना बंद कर देंगे तो एक तरीके से आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं, या आपको कोई मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए, फिर कोई वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, उसके बहुत चांसेस हो सकते हैं, तो फिर आपके उस आप सेकेंडरी डिजीज इसके बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। तो इसमें यही है कि ज़्यादातर ऑथर्स लिखते हैं और ज़्यादातर मींस डायबिटोलॉजिस्ट और आपके मींस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं जिसके अंदर आपकी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज हो और बैलेंस डाइट हो, जितनी डाइट हो उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज हो। ये रेशियो बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना खा रहे हैं उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज बहुत कम है तो उससे हल्के 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 आप ओबीज होंगे, और ओबीज होने के बाद हल्के हल्के आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस का रेशियो ज़्यादा बढ़ जाएगा पॉपुलेशन में। डायबिटीज़ कैन लीड टू एन नंबर ऑफ डिजीज़, मीन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिजीज़, और आप अपना बॉडी मास इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं अलग अलग आपके वक्फे वक्फे पे। मैं आपको बॉडी मास इंडेक्स का मींस फॉर्मूला बता देता हूँ, वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर के अंदर आपका रेशियो अगर 18.5 से 24.9 तक आता है तो आप नॉर्मल हैं, 25 से लेके 30 तक आप मींस क्लिनिकल ओबेसिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन आप ओबीज हैं, फिर 30 से लेके 40 और 40 से अबव ये दोनों क्लास वन और क्लास टू मीन्स ग्रेड वन और ग्रेड टू ओबेसिटी के लिए होते हैं, और फिर मॉर्बिड ओबेसिटी होता है वो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिलहाल ओबीज हैं तो आप थोड़ा कैलोरी इंटेक में डिफरेंस ऐसे ला सकते हैं आप, जैसे आप डाइटरी फाइबर्स ग्रीन वेजिटेबल्स या मूली हो गए या फिर आपके गाजर हो गए या फिर आपका स्पेनिश वगैरह हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, या आप ज़्यादा करें अपनी डाइट में और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम कर दें अपने डाइट के अंदर, इससे थोड़ा बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसा रखें फिर कुछ दिनों बाद फिर नॉर्मलाइज कर दें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एकदम कम करके जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ग्रीन टी पे आने का, या फिर आप बिल्कुल ही खाना कम कर दें एकदम प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, ये आपको फिलहाल कुछ वक्त के लिए आपको एकदम कम लगेगा आपको कि आपका बॉडी वेट कम हो रहा है या फिर आप एक अच्छे पोस्चर में आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो होती है वो आपके सेल को स्टार्व करती है। और अगर एक तरीके से देखा जाए कि कैंसर में भी सेल जो होता है वो स्टार्व होता है न्यूट्रिशन से, उसकी वजह से सेल डेथ होती है, तो इसमें भी आप एक तरीके से सेल को आप भूखा रख रहे हैं अपने सेल को, जिसकी वजह से सेल में मैल न्यूट्रिशन फैलेगा और उसकी वजह से बहुत चांसेस होगी कि सेल डेथ होने के चांसेस हों। सेल डेथ होने के चांसेस होंगे तो ग्रेजुअली आपके बॉडी आपको लगेगा खुद ही लगेगा कि वीक होने लगेगा कुछ अरसे बाद और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जी हमारा एक और अहम सवाल ये है,
ओबेसिटी से जो लोग मोटे होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा किस बीमारी के होने का खतरा रहता है, तो आप इस पर ज़रूर रोशनी डालें। डॉक्टर हमाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने इतनी काम की बातें हमसे शेयर की। इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को, जो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, अगर वो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, तो आपके बताए गए जो आपने टिप्स दिए हैं तो उनको फॉलो करके इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हेल्दी और फिट हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। देखिए, क्लिनिकल साइंसेस का जहाँ तक ताल्लुक है और जहाँ तक फैक्ट्स एंड फिगर्स का ताल्लुक है, ओबेसिटी मेनली लीड्स टू टू डिजीजेस। ब्रॉड हेडिंग्स में अगर मैं बोलूँ तो टू डिजीजेस मेनली, जो हम कहेंगे माइनस डिजीजेस भी बहुत होती हैं, लेकिन मेनली दो डिजीज़ कंसर्न में हैं आजकल मेडिकल साइंस में। एक तो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस टू, डायबिटीज़ मेलाइटस वन भी होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस वन कॉन्जेनाइटल होता है, वो ओबेसिटी की वजह से नहीं होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस टू का मेन कॉज ही ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी की वजह से ही डायबिटीज़ मेलाइटस टू होता है। और सेकेंडरी कॉज है कि काफ़ी लोग अगर जानते होंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली होता है आपका आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फैटी प्लेक्स। मीन्स आपका एक तरीके का फैट की गुठली टाइप आप कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, वो जमा हो जाती है ल्यूमेन के अंदर, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट पे जो होता है उसका इफ़ेक्ट बहुत ख़राब पड़ता है। हार्ट को आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, हाइपरटेंशन के आप प्रोन हो जाते हैं, आपके हार्ट को कम ऑक्सीजन सप्लाई जाता है, कम न्यूट्रिएंट सप्लाई जाता है, इसकी वजह से इश्केमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। सडन ब्लॉकेज, सडन थ्रोम्बस फॉर्म होने की वजह से आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा मॉर्बिड कंडीशंस के अंदर होता है। और यही है कि अगर आप अपने आप को असेस कर पाते हैं कि आप ओबेस कंडीशंस में हैं या फिर ओबेस कंडीशन के बहुत ज़्यादा प्रोन हैं, तो आपको चाहिए कि आप अभी से ही अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, मॉडिफिकेशंस करें अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल्स के अंदर। डरे नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी बहुत एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आप टेंशन लें। टेंशन से आपका कैटाकोलामाइन भी रिलीज होगा, टेंशन से आपका हंगर सेंटर भी आपका एक तरीके से स्टिम्युलेट होगा, तो ये दोनों भी फिर अगेन लीड्स टू डायबिटीज, मीन्स ओबेसिटी। तो यही है कि आप खुश रहें, अच्छे रहें, और मीन्स पॉजिटिव सोचें हमेशा, और हेल्दी रहने की कोशिश करें।